हुकूमत के आयद करदा टैक्सों के खिलाफ ताजिर मैदान में। बहावलपुर में अंजुमन आरतियां की 13 जुलाई को हड़ताल की कॉल। सदर अंजुमन आरतियां हाजी जियाउर रहमान का कहना है कि हुकूमत सहूलियात फराहम करने के बजाय टैक्सेस का बोझ बढ़ा रही है। एपका का 11 जुलाई को कलम छोड़ हड़ताल करने का फैसला। मुजफ्फरगढ़ के ताजिरों का भी टैक्सेस को मुस्तरद करते हुए 13 जुलाई को मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान। पूरा पाकिस्तान हमारा इंशाल्लाह शटर डाउन होगा और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल होगी, तमाम कारोबारी मराकज बंद होंगे। ताजरों की हड़ताल पंजाब हुकूमत का पहला इम्तिहान। वज़ीर-ए-आज़म ने हड़ताल खत्म करवाने का टास्क वज़ीर-ए-आला को सौंप दिया। वज़ीर-ए-आला ने मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला ताजरों से खुद मुलाकात भी करेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे भर की असाधा तंजीमों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। 40 लाख से ज्यादा असाधा को तंजीम साजी मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा पंजाब एजुकेशन ने तमाम असाधा तंजीमों को मुरासला जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का जिले भर में गैर सरकारी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड और तजदीदा न करवाने वाली तमाम तंजीमों को 15 दिन की मोहलत फराहम। जिले भर में 372 तंजीमों में से सिर्फ 56 तंजीमें रजिस्टर्ड हैं। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा। बहावलपुर में कार डीलर मार्केट खसारे का शिकार। बड़ी गाड़ियों की कीमत में 4 लाख से 10 लाख रुपए तक के होशरुबा इजाफे से शहरियों ने सर पकड़ लिए। बजट के बाद से 500 से ज्यादा गाड़ियों की डील मनसूख। कारोबार मुतासर होने से डीलर्स परेशान। जहानिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी। मुतअद्दिद असामियां खाली। चाइल्ड और चेस्ट स्पेशलिस्ट गायनी डॉक्टर न होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। उधर सनावा के आरएचसी अस्पताल में भी स्टाफ की कमी के बायस निजाम मुतासिर। एक लेडी डॉक्टर, 2 सीनियर मेडिकल ऑफिसर और 1 स्वीपर शामिल। मियांवाली में ईसा खेल अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अमले की कमी के बायस सायलीन परेशान। 2 माह से ADLR की असामी खाली। अमला मुकम्मल न होने से काम की रफ्तार सुस्त। सायलीन बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर। मुल्तान बासा की बोसीदा सीविस लाइन्स में क्राउन फेलियर होने का मामला। चौक फवारा से बोहड़ गेट रोड पर होने वाले क्राउन फेलियर को पूर्ण न किया जा सका। रोड बैरियर लगाकर बंद कई फुट गहरे गड्ढे के बाद शहरी खौफ में मुब्तला। मुल्तान की बस्ती मकरान की गलियों में सीवेज का पानी जमा। इलाके में तापुन फैलने से मकीनों का सांस लेना महाल। घरों में भी गंदा पानी दाखिल। सीवेज के नाकिस निजाम के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। कहरोड पक्का के नवाही इलाके मसाकोठा में अरसदराज से मौजूद गंदे पानी के तालाब से इलाका मकीन परेशान। 3 बच्चे भी गंदे पानी में डूबकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। पानी के बायस मकानात की बुनियादें कमजोर होने लगी। रोही पर खबर नशर। डिप्टी कमिश्नर लोधरा का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अहमद फराज आवान ने जगह का जायजा लिया। मेलसी में तहसील पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस पार्क उजड़ गया। झूलों समेत वॉकिंग ट्रैक और मेन गेट टूट फूट का शिकार। ग्राउंड में लगी घास भी सूख गई। पार्क में जा बजा गंदगी के अंबार मौजूद। शहरियों का पार्क की खस्ता हाली पर इंतजामिया से शिकवा। सादिकाबाद में नूरुल हसन की वफात पर हर आंग अशकबार। इलाके की फजा सोच पर नूरुल हसन के अहलखाना से ताजियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सईद अहमद महमूद की जानिब से दुख का इजहार। नूरुल हसन की मौत का मामला ताहाल हल ना हो सका। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की 3 रुकनी टीम असल हकायक के लिए लाहौर के शालीमार अस्पताल पहुंच गई। टीम कल होने वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज देखेगी और डॉक्टरों लवाहिकीन और अमले के बयानात रिकॉर्ड करेगी। साल भर गौर के बाद एयर एम्बुलेंस का मंसूबा मौखर। रवा माली साल में मंसूबे के लिए बजट मुख्तस नहीं। नूर हसन और DC डेरा काजी खान के वाकयात के बावजूद हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की जरूरत को महसूस नहीं किया। पब्लिक हेल्थ मुल्तान डिवीजन के 2400 मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के मुंतजिर। 2007 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून 2019 को खत्म हो चुका।
एप्का ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न होने पर कल हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर चेहमा से मुस्तकिल वाइस चांसलर के मुंतसिब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आमिर एजाज को मजीद 45 रोज का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। पेशियों पर गैर हाजिरी, बहावलपुर में एडिशनल सेशन जज ने 7 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 10 कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डीपीओ को तमाम पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। रुस्तम मुल्तान अच्छी पहलवान और शहरी जाफर हुसैन के कातिल का मामला, दहशतगर्दी और कातिल के मुकदमे में मुलविस 11 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 15 जुलाई तक तोसी कर दी गई। पसंद की शादी ने ले ली हवा की बेटी की जान, लैया में कजन से पसंद की शादी करने वाली लड़की को बेरहम वालिद ने कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। उधर लोधरा में सदर पुलिस का 70 साल बुजुर्ग पर मुबैना तशद्दुद, जबकि SHO राव हामिद ने एहलकारों की जानिब से तशद्दुद के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कोटद्दू में तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड, इंतजामिया की 2 से 3 रोज में निचले दर्जे के सैलाब की पेशेंगी। डिप्टी कमिश्नर मियावाली की जाली और गैर मियारी खाद के डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, अफसरान को खाद के फरोख्त मुकर्रर नरखों पर यकीनी बनाने की हिदायत। मियां चनू में महकमा सिविल डिफेंस की तलंबा रोड पर कार्रवाई, गैर कानूनी तरीके से LPG गैस फरोख्त करने वाले 3 दुकानदार जेर हिरासत, गैस सिलेंडर समेत 3 सामान कब्जे में ले लिया गया। बहावलपुर में नए तैनात चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट मदर सईद के दफ्तर में बालेहाना इस्तकबाल, मदर सईद तलबा के मसाइल तरजीही बुनियादों में हल करने के लिए फरज। जहानिया में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेद अहमद रोमी का सेशन कोर्ट का दौरा, पुलिस के चाको चौबन दस्ते ने सलामी पेश की। सेशन जज ने मातहत अदालतों के इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड चेक किया, वकला चैम्बर और लाइब्रेरी का भी मुआयना किया। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की 52वीं बरसी, खराज तहसीन पेश करने के लिए ई लाइब्रेरी मुल्तान में तकरीब मुनक़िद, अदबी और समाजी शख्सियात समेत तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकर्ररीन ने मोहतरमा फातिमा जना की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। और बहावलपुर आर्ट काउंसिल में 5 रोजा किड कल्चर कैंप के दूसरे सीजन का आगाज, बच्चों की जानिब से पेंटिंग, डिजाइनिंग, डोल मैटिंग, कैलीग्राफी समेत दीगर अशिया नुमाइश में पेश। इफ्तिताही तकरीब में डेवलपिंग ऑफिसर बहावलपुर नौशीन मलिक ने खसूसी शिरकत की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर चेहमा से मुस्तकिल वाइस चांसलर के मुंतसिब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आमिर एजाज को मजीद 45 रोज का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। पेशियों पर गैर हाजिरी, बहावलपुर में एडिशनल सेशन जज ने 7 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 10 कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डीपीओ को तमाम पुलिस मुलाजमीन को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। रुस्तम मुल्तान अच्छी पहलवान और शहरी जाफर हुसैन के कातिल का मामला, दहशतगर्दी और कातिल के मुकदमे में मुलविस 11 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 15 जुलाई तक तोसी कर दी गई। पसंद की शादी ने ले ली हवा की बेटी की जान, लैया में कजन से पसंद की शादी करने वाली लड़की को बेरहम वालिद ने कत्ल कर दिया। मुलजिम मौका से फरार, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। उधर लोधरा में सदर पुलिस का 70 साल बुजुर्ग पर मुबैना तशद्दुद, जबकि SHO राव हामिद ने एहलकारों की जानिब से तशद्दुद के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कोटद्दू में तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड, इंतजामिया की 2 से 3 रोज में निचले दर्जे के सैलाब की पेशेंगी। डिप्टी कमिश्नर मियावाली की जाली और गैर मियारी खाद के डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, अफसरान को खाद के फरोख्त मुकर्रर नरखों पर यकीनी बनाने की हिदायत।